वेलकम बैक टू माई चैनल सुपर ब्यूटी डिज़ायर्स एंड दिस इज प्रेरणा। सो गाइज, आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि अगर आपको अपनी स्किन को प्रेपअप करना है बिफोर एनी मेकअप तो आप किस तरीके से करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी स्किन में कभी भी मेकअप अच्छा नहीं लगता है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं होती है या फिर क्लीन नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको बिफोर मेकअप अपनी स्किन को किस तरीके से प्रेपअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में, लेट्स गेट स्टार्ट। गाइज, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्किन को क्लीन करूँगी जिससे कि मेरे फेस पे जो भी डस्ट एंड डर्ट है वो क्लीन हो सके और मेरा फेस जो है रेडी हो सके। तो मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये अपना फेवरेट फेस वॉश। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। देन नेक्स्ट स्टेप मैं फॉलो करूँगी गाइज अपनी स्किन को हाइड्रेट करने का। सो गाइज, एज यू ऑल नो कि समर्स हैं तो समर्स में हमारी स्किन को हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने ये वेट टिश्यू लिया हुआ है। आप कोई सा भी वेटी वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे मैं अपने फेस को टैप टैप करके ऑल ओवर फेस को हाइड्रेट करूँगी जिससे कि जो मेरा मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए और स्किन जो है विद इन ग्लोइंग दिखने लग जाए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ऑल ओवर नेक पे भी आपको बिल्कुल करना चाहिए। देन गाइस, थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाने के बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप फॉलो करती हूँ जो कि है टोनिंग का। तो स्किन टोनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ दिस रोज़ वाटर। सो गाइस, रोज़ वाटर जो है बहुत ही अच्छा होता है अपनी स्किन की टोनिंग के लिए। आपको डेली अपनी स्किन की टोनिंग ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपके जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और जो मेकअप है आपका बिल्कुल स्किन के अंदर नहीं घुसता है और मेकअप जो है बहुत अच्छा लगता है, कहीं से भी केकी या फ्लेकी मेकअप नहीं लगता है। आप जब भी फाउंडेशन लगाएंगे उससे पहले आप अपनी स्किन को जो है इस तरीके से प्रेप अप जरूर करें जिससे कि आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, ग्लोई स्किन लगेगी और ब्यूटीफुल स्किन लगेगी। तो इस तरीके से आप जो है अपने कॉटन बोल में लेके और टोनर को इस तरीके से डैप कर सकते हैं किसी भी रोज वाटर। देन गाइज, इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप मैं फॉलो करती हूँ वो है स्किन की टेक केयर करना। तो मैं डेली यूज़ करती हूँ ये मामा अर्थ का बार बार ब्लेमिशेस क्रीम। इस क्रीम से क्या होता है गाइज कि जो हमारी स्किन के ब्लेमिशेस हैं वो बहुत ही जल्दी दूर होते हैं। तो मैं इसको मिनिमम क्वांटिटी में यहाँ पर ले रही हूँ, इतनी क्वांटिटी आपको यूज़ करनी चाहिए अपनी क्रीम की। तो आप अपनी क्रीम को इस तरीके से फेस पे ऑल ओवर डॉट डॉट्स करके लगा लीजिए जैसे कि आपकी पूरी ऑल ओवर स्किन जो है फेस की वो कवर हो जाए और आपकी फेस की जो भी ब्लेमिशेस हैं वो विद इन इनसाइड से दूर हो सके। सो गाइज, आपको पता होगा कि स्किन को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आपको ये बाय बाय ब्लेमिशेस की क्रीम ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मामा अर्थ। सो गाइज, इस मामा अर्थ की क्रीम में डेजी फ्लावर है, मलबरी एक्सट्रैक्ट्स मिलाए गए हैं और विटामिन सी भी मिलाई गई है। तो आपको पता होगा विटामिन सी जो होता है एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है एंड स्किन फेयर बनाता है, एंड ऑल्सो अगर आपकी स्किन में कोई भी ब्लेमिशेज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उसको भी दूर करता है। इसने काफ़ी हद तक मेरे जो स्कार्स हैं उसको भी लाइटन अप करा है और मेरे जो ब्लेमिशेज थे मेरी स्किन में उनको दूर करा है और मेरी स्किन को इवन टोन बिल्कुल कर दिया है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन हाइपर पिगमेंटेशन रिमूवल एंड लाइटन्स डार्कन स्पॉट नेचुरली। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो ऑलवेज पैराबेंस फ्री रहते हैं, SNES फ्री रहते हैं और मिनरल ऑयल्स फ्री रहते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, मुझे इसकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको बता दूँ मामा अर्थ की पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, हैंडी है काफ़ी। एंड ऑल्सो मामा अर्थ इज 100% प्लास्टिक पॉजिटिव, दे रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन दे यूज़। सो गाइज, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इसके सारे लिंक्स दिए हैं और अपना कूपन कोड दिया है, आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है। मामा अर्थ डॉट इन पे ये जो प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल हैं, नायका पे भी अवेलेबल हैं और अमेजोन पे भी अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल चेक कर लीजिए। सो गाइस, क्रीम लगाने के 2 मिनट्स बाद में मैं यूज़ करती हूँ प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है वो प्राइमर के लिए बेस्ट रहता है, अगर आपके पास प्राइमर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जहाँ पे आपके ओपन पोर्स हैं वहाँ पर अच्छे से डैप कर लीजिए तो आपके पूरे फेस पे अच्छे से लग जाएगा और अभी देख सकते हैं बहुत शाइन आ गया है फेस पे। देन गाइज, इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन ऑफकोर्स। तो फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला फाउंडेशन, ये ऑयल फ्री फाउंडेशन है। तो इसको अपने फेस पे अच्छे से डॉट डॉट्स करके मैं अप्लाई करूँगी, देन बहुत ही अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। मैंने स्किन केयर के सारे स्टेप्स फॉलो करे हैं इसलिए मेरी स्किन पे आप देखेंगे बहुत ही ईजीली जो है ये फाउंडेशन
ब्लेंड हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा। हालांकि मेरी ड्राई स्किन है तब भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है फिंगर्स के थ्रू ऑल्सो। अभी आप देख सकते हैं मेरा फाउंडेशन बिल्कुल फ्लॉलेस हो गया है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। इसके बाद में कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप देख सकते हैं फेस पे तुरंत ही स्वेट आ जाता है। तो अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करेंगे तो स्वेट आपके पूरे फेस पे आ जाएगा, जो कि फाउंडेशन को ख़राब कर सकता है। तो फाउंडेशन को सेटिंग करने के लिए कॉम्पैक्ट इज मस्ट। तभी आप देख सकते हैं मेरी जो स्किन है फेस की पूरी रेडी है मेकअप करने के लिए। इसके बाद में आप अपने लिप्स से काजल, आईलाइनर, जो भी लगाना चाहें, ब्लश, हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो हिट लाइक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।